ओम शांति। 8 जनवरी 2015 अमृत वेला। मोहजीत आत्मा की कर्मातीत ब्रह्मा बाप से रोह रिहान। पहली स्मृति, मैं आत्मा हूँ। मैं इस धरा को प्रकाशमय करने के लिए स्वीट लाइट के होम से अवतरित हुई हूँ। मैं कौन हूँ? मैं मोहजीत आत्मा हूँ। मैं मोह पर जीत पाने के लिए सारा दिन अपने पांचों स्वरूप की स्मृति में रहती हूँ। पहली, मैं आपकी संतान हूँ। दूसरी, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। तीसरा, मैं रूहानी यात्री हूँ। चौथा, मैं रूहानी योद्धा हूँ। और पांचवा, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। मैं किसके हूँ? आत्मा की बाबा से रोह रिहान। मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। मैंने विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने की प्रतिज्ञा की है। गोल्डन दुनिया लाने के लिए मैं आपकी मददगार बनूंगी। इस जिम्मेवारी को अच्छी तरह पूरा करने के लिए मुझे मोह को जीतना होगा व स्मृति स्वरूप बनना होगा। बाबा की आत्मा से रोह रिहान। मीठे बच्चे, जागो, मेरे साथ बैठो। अमृत वेला उठते ही तुम बाबा से रोह रिहान करो व अपने पांचों स्वरूपों का अनुभव करो। ईश्वरीय संतान, गॉडली स्टूडेंट, रूहानी यात्री, रूहानी योद्धा व खुदाई खिदमतगार, जब तुम इन पांचों ही स्वरूपों से बाबा से मिलोगे तो तुम कर्म बंधनों से छूट जाओगे। सारा दिन भिन्न भिन्न कार्य करते तुम इन पांचों स्वरूपों को स्मृति में रखो। इस तरह स्मृति स्वरूप बनकर तुम मोह पर जीत पा सकोगे व ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बन जाओगे। बाबा से प्रेरणाएं अपने मन को सर्व बातों से हटाकर बाबा में लगाएं। बाबा है साइलेंस का सागर। इस साइलेंस में मैं बाबा से प्रेरणा युक्त व पवित्र सेवा के संकल्प ले रही हूँ। बाबा से वरदान। सूक्ष्म वतन में मीठे बाबा के सामने मेरा फरिश्ता स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बहुत प्यार व शक्तिशाली दृष्टि से बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। तुम्हारे जादुई नैन हर आत्मा की विशेषता और सुंदरता को ही देखते हैं। तुम्हारी इस रूहानी दृष्टि से संगठन एकमत बनता जा रहा है और हर आत्मा के दिल में अपने पन की भावना पैदा हो रही है।
बेहद की सूक्ष्म सेवा। आखिरी के 15 मिनट प्रातः 4:45 से 5 बजे तक बाबा द्वारा प्राप्त हुए इस वरदान को मैं पूरे संसार को वरदाता बनकर अपने शुभ संकल्पों द्वारा दे रही हूँ। अपनी फरिश्ता ड्रेस पहनकर मैं विश्व भ्रमण करते हुए सर्वात्माओं को ये वरदान दे रही हूँ। रात्रि सोने के पहले आवाज की दुनिया से पार जाकर अपनी स्टेज को स्थिर बनाए, चेक करें कि आज मैंने दिन भर में किसी बात की अवज्ञा तो नहीं की। अगर हाँ तो बाबा को बताएं, किसी के मोह व आकर्षण में बुद्धि तो नहीं फंसी। अपने कर्मों का चार्ट बनाएं, 30 मिनट के योग द्वारा किसी भी गलत कर्म के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करें। अपने दिल को साफ व हल्का कर सोएं। ओम शांति।